राष्ट्रीय सामाजिक जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता सह प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण हेतु लिया जा रहा है नामांकन। छात्र छात्राओं को प्राथमिक उपचार का दिया जाएगा प्रशिक्षण। आपको बता दें, राष्ट्रीय सामाजिक जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा स्थानीय ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय बीरपुर में स्वास्थ्य जागरूकता सह प्राथमिक उपचार के लिए मंगलवार से नामांकन लिया जा रहा है। इस विषय पर जानकारी देते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन राजकुमार गुप्ता ने कहा कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के मामलों में स्वावलंबन बनाने के लिए स्वास्थ्य के प्रति छात्रों को जागरूक तथा प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसको लेकर ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार के प्रशिक्षण के लिए आज नामांकन लिया जा रहा है, जो 23 जनवरी से 28 जनवरी तक लिया जाएगा, जहां छात्र छात्राएं आकर अपना निःशुल्क नामांकन ले सकते हैं, जिसके बाद मैसेज के माध्यम से छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाएगी कि प्रशिक्षण की तिथि कब से कब तक है और यह प्रशिक्षण लगभग 45 दिनों तक चलेगा। ये जो महाविद्यालय में मेडिकल क्षेत्र से फर्स्ट एड की कोर्स करवाई जा रही है, जो महाविद्यालय का जो भी नामांकन छात्र छात्राएं हैं, प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूकता अभियान, जैसे कि प्राथमिक उपचार हम किसी भी बीमारी के प्रति हम कैसे करके उपचार करके बचाव कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा करना। जैसे कि इससे पहले कोरोना काल में संक्रमित बीमारी चला था, हम सब सामना किए, पूरे देश सामना किया, उसी तरह आने वाले कल के लिए कोई संक्रमित बीमारी हो या कोई दीर्घकालीन बीमारी हो या घटना या दुर्घटना के प्रति हो, हम प्राथमिक उपचार करके अपने जीवन के कैसे रक्षा कर पाए, जिसके प्रति ये बेसिक डोज 45 डोज की कोर्स है। ये कोर्स की बात करें तो 18 माह का कोर्स होती है, लेकिन बेसिक कोर्स पे छात्र छात्राओं को 45 रोज में ही पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें लिखित मौखिक और प्रैक्टिकल रूप में ट्रेनिंग होगी। लिखित में कई बीमारी के प्रति, जैसे कि सांप या विषु काटने कारण हो, आग से जलने कारण हो, या फिर किसी घटना या दुर्घटना के प्रति हो, प्रैक्टिकल रूप में सुई से संबंधित, बीपी से संबंधित, थर्मामीटर, ऑक्सीजन लेवल चेकअप के बारे में, बीपी से संबंधित प्रशिक्षण दी जाएगी। प्रशिक्षण के उपरांत जिसके बाद जांच परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके बाद प्रमाण पत्र दी जाएगी। साथ के साथ छात्रों को किट बॉक्स और प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दी जा रही है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट नेशनल सोशल डेवलपमेंट पब्लिक वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत, मधेपुरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी महाविद्यालय में कार्यक्रम चलाई जा रही है, जिसमें कि नामांकन तिथि लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 तक है, जिसमें छात्र को सभी विषय के छात्र के लिए प्रशिक्षण है, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और सभी वर्ग के लिए, मैट्रिक, इंटर, बीए, पीजी, पीएचडी, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं, ताकि आने वाली कल के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के प्रति ये फर्स्ट एड करके अपनी जागरूकता करा के अपनी बचाव कर सके। ये जो कार्यक्रम है, हमारे यूनिवर्सिटी के आदेश अनुसार ये कार्यक्रम चलाई जा रही है, तो इसमें महाविद्यालय का जो भी नाम कर, ऐसा नहीं कि केवल महाविद्यालय का ही छात्र ट्रेनिंग लेंगे, अदर भी छात्र ट्रेनिंग ले सकते हैं। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार सभी का बनता है, किसी को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जो भी छात्र हैं इस विषय के प्रति आकर के नामांकन करवा ले। नामांकन ऑनलाइन है, किसी दुकान या ऑनलाइन कैफे से ऑनलाइन नामांकन करवा सकते हैं। प्रशिक्षण निःशुल्क है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता हुआ, इस एनजीओ के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हूँ।